कहो बटुक, क्या जानना चाहते हो? आचार्य, मैं एक ऐसा गुप्त मंत्र जानना चाहता हूँ जिससे जीवन के सारे सुख मुझे मिल जाएं, जिसके सिद्ध होते ही बड़े बड़े खजाने खुल जाएं। क्या आप ऐसा मंत्र जानते हैं? महान मंत्रों को जानने के लिए महान साधना करनी पड़ती है बटुक। क्या तुम साधना के लिए तैयार हो? मैं तैयार हूँ। तो पहले कुछ वर्ष अग्नि की सेवा करो और उसके बाद मैं तुम्हें वह मंत्र दूंगा। वर्षों तक आचार्य ने ब्रह्मचारी को शास्त्रों की शिक्षा दी, पर वह मंत्र न बताया। ब्रह्मचारी उतावला हो रहा था। एक दिन उससे रहा न गया और उसने गुरु के पास जाकर पूछ ही लिया, आचार्य, वर्षों तक मैंने आपकी आज्ञा में रहकर अध्ययन किया, फिर भी आज तक आपने वो मंत्र न बताया। तुम इतने ही अधीर हो रहे हो तो आज मैं तुम्हें वह मंत्र बताता हूं। आओ, अपने कान मेरे होठों के नजदीक लाओ, इस पर नित्य ध्यान करना, जल्दी ही तुम्हें सारे खजाने मिल जाएंगे। ये क्या, ये मेरा भ्रम है या मेरे ही मंत्र की प्रतिध्वनि? क्या मैंने मंत्र को सिद्ध कर लिया? मैं गणेश हूँ। लो, नाम लेने से पहले भी ओम। अरे ये शब्द गुप्त है। वाह रे मेरे आचार्य, वाह, बड़ा ठगा मुझे, रोज मुझसे सेवा करवाते रहे, आज देखता हूँ मैं आपको। ओम भवति भिक्षाम देही। ये भी देख लो, ओम मुफ्त में बट रहा है और मेरे आचार्य के लिए गुप्त है। आज रामचरितमानस का पाठ यहीं समाप्त करते हैं, कल उत्तरकांड से प्रारंभ करेंगे। ओम शांति शांति शांति। कहीं शुरू में ओम, कहीं अंत में ओम, और ओम रहस्य है। लगता है छल हुआ है मेरे साथ, छलिया है मेरे आचार्य, पर मैं भी कुछ कम नहीं, अपने एक एक दिन का हिसाब मैं सूद समेत लूंगा। आचार्य आचार्य, क्या बात है बटुक? आचार्य, मैंने आपसे गुप्त मंत्र देने के लिए कहा था, पर वो गुप्त कैसे हुआ जब हर कोई उसे जानता है? मैंने वर्षों आपके पास रहकर साधना की, उसका ये फल। बटुक, मैंने तुम्हें गुप्त मंत्र ही दिया है, पर जैसे तुम जैसे अनेक शिष्य हैं, वैसे गुप्त मंत्र देने वाले मुझ जैसे अनेक आचार्य हैं। पर मेरे पास एक और गुप्त मंत्र है, पर उसे पाने के लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। काम क्या है? मेरे आचार्य ने मुझे यह गुप्त मंत्र मांगने पर दिया था, आज मैं तुम्हें दे रहा हूं। बाजार में जाकर इसे बेचने की कोशिश करो, पर इसे बेचना नहीं। यदि तुम इसका सही मूल्य, इसकी सही कीमत जानकर आ गए तो मैं तुम्हें वह दूसरा मंत्र बता दूंगा।
ये क्या है आचार्य? मंत्र का रहस्य। ले लो आलू टमाटर प्याज राम तुरई भिंडी। भाई मैं ये बेचना चाहता हूँ। बटुक मैं यहाँ खरीदने नहीं बेचने बैठा हूँ। मेरे पास खरीदने के लिए कुछ भी नहीं है, बस ये कलाकृति है। इसका कुछ तो मूल्य होगा, इसके बदले में तुम जो चाहे दे दो। देख रहे हो ना भाई, इसका वजन मेरे बाट के बराबर है। ये मेरे सब्जियां तौलने के काम आ जाएगा, इसके बदले जो चाहे एक पाव सिर ले लो। बस यही इसका मूल्य है? और क्या, पूरी दुकान तुम्हें दे दूं पत्थर के बदले? और क्या लोगे? लेना हो तो लो, नहीं तो रास्ता नापो। आओ आओ ब्राह्मण देवता, कहो क्या दिखाऊं? बजाज मैं ये बेचना चाहता हूँ, इसके बदले में तुम मुझे क्या दे सकते हो? मोहनी हुई नहीं कि ठगों से पाला पड़ गया। तो पागल है क्या? चल भाग यहाँ से। अरे मेरा पत्थर तो लौटाओ। चाकू की धार तेज करने से ज्यादा इसका और क्या उपयोग हो सकता है? ब्रह्मचारी हो इसलिए निराश नहीं करूंगा। हाँ थोड़ा सा गुड़ दे सकता हूँ मुंह मीठा करने के लिए। तो क्या इसकी कोई कीमत नहीं है? ठोकरों में पड़े रहने वाले पत्थरों की क्या कीमत हो सकती है ब्राह्मण देवता? ब्राह्मण देवता, क्या आप सचमुच पत्थर ही बेचने आए हैं कि कोई और अभिलाषा आपको यहाँ खींच लाई? मैंने सोचा यहाँ सबका सम्मान होता है, आप देश विदेश के व्यापारियों से मिलती हैं, शायद आपको पत्थरों की पहचान है, इसलिए मैं। ब्राह्मण देवता मैं गड़े का हूँ, जौहरी नहीं। आदमियों की खूब पहचान है पर पत्थरों की नहीं। तुम्हें जो भिक्षा चाहिए तुम्हें मिल जाएगी, पर इस पत्थर के टुकड़े का मेरे लिए कोई उपयोग नहीं। देवी, ब्रह्मचारी इतना आग्रह कर रहा है तो रख ही लीजिए ना, पत्थर पैर खिसने के काम तो आ ही सकता है। ऐसी गलती ना करिएगा देवी, सोने के टुकड़े से अपने पैर का मैल साफ करने वाली नगर वधू पत्थर से पैर साफ करेगी? आपकी प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी। जाओ ब्राह्मण देवता जाओ, जाओ पत्थरों के पारखी को ये ढेला दिखाओ। ये पत्थर तुम्हारे पास कहां से आया? तुम्हें इससे क्या मतलब? क्योंकि ये किसी बड़े धनवान या किसी चोर के पास ही हो सकता है। ये मुझे मेरे आचार्य ने दिया है, तुम इसका मूल्य बताओ। ब्राह्मण देवता, मैं तो एक मामूली जौहरी हूं, शायद बड़े बड़े जौहरी भी इसका सही मूल्य नहीं आंक पाएंगे। जितना मैंने अपने बाप दादाओं से सीखा है उसके आधार पर कह सकता हूं कि यह एक दुर्लभ रत्न है। जरूर किसी सम्राट ने गुरु दक्षिणा में तुम्हारे आचार्य को यह रत्न दिया होगा। इस गांव में तो क्या, राजधानी में भी मुश्किल से कोई इसका मूल्य दे पाएगा या खरीद पाएगा। जौहरी इसे बहुमूल्य बता रहा था और दूसरों के लिए ये पत्थर। आपने ये जानते हुए कि ये मूल्यवान है मुझे इसे दूसरों के पास बेचने के लिए क्यों भेजा आचार्य? ताकि तुम ओम का मूल्य जान सको। जैसे इस पत्थर का मूल्य हर कोई नहीं जान सका, यानी इसका मूल्य गुप्त है, हर कोई इसे नहीं आंक सकता। केवल पारखी आंखें ही पहचान सकी कि यह पत्थर नहीं रत्न है। उसी तरह
ओम भी एक रत्न है जिसका मूल्य गुप्त है। जो नित्य ओम जप रहे होते हैं वे भी इसका मूल्य, इसका रहस्य नहीं जान पाते।